أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कहिए कैसे हैं आप सब लोग. अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि सबको सेहतमंद रखे, हर छोटी बड़ी बीमारी से महफूज रखे, सबके परेशानियों को दूर कर दे, दुख बीमारियों को दूर कर दे, सबको हमेशा खुश रखे. आमीन सुम्मा आमीन. मैं आपको आज मटन मसाला बनाना बता रही हूँ. उसके लिए ये 250 ग्राम मटन है और ये 2 अदद प्याज है. ये 250 ग्राम बगैर हड्डी का मटन है और ये 2 अदद प्याज है कटी हुई. ये 2 चाय के चमचे मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चमचा अदरक लहसुन, 2 चमचे नमक, ये 2 बड़े चमचे तेल और ये है खोपरा जो मटन में डालने के लिए, और ये गरम मसाला है इलायची लौंग, ये दालचीनी, ये शाजीरा, ये सब इसको भून के इसको ग्राइंडर में पीस लेना है. ये है कोथमीर, ये 4 हरी मिर्चियाँ और ये करियापाक है. ये है सालन का पूरा सामान. अब इसको बनाना है. देखिए आप, ये है मटन मसाला बना रही हूँ. देखिए, ये तेल है 2 बड़े चमचे, इसमें ये दालचीनी का पत्ता डालेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, ये प्याज को ब्राउन कलर की कर लेंगे, नमक डालेंगे तो जल्दी इसका कलर बदल जाता, कलर जल्दी से ब्राउन हो जाता. ये है गोल्डन कलर की प्याज. अब इसके अंदर मटन डालेंगे. अब इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चमचा हल्दी डाल, एक चमचा अदरक लहसुन, 1 चाय का चमचा
ये दो चाय के चमचे मिर्ची पाउडर है। ये चाय के चमचे दो नमक डाल, गलने के लिए एक 15 मिनट चूल्हे पे रखेंगे। कुकर बंद करके ये ताकि ये गोल गल जाए। ये थोड़े से हरे मिर्चियां वगैरह डालें, हरे मिर्चियां, करी पाक वगैरह। अब कुकर को बंद कर देंगे। अब ये पानी सूख गया इसका, अब इसके अंदर ये खोपरा पिसा हुआ है, इसके अंदर गरम मसाला है, सब इसमें डाल के पीस दिए। ये मटन मसाला तैयार हो गया। आप भी इसी तरीके से बनाइए, एक बार बना के खा के देखिए, उसके बाद मुझे लिखकर बताइए क्या कैसा लगा आपको मटर मसाला। ये अच्छी तरीके से जरा भून लेना, क्या कि ये खोपरे के मसाले का जो वो है ना कच्चापन वो खत्म हो जाए थोड़ी देर, इसलिए थोड़ी देर इसको भून लेंगे। ये मटन मसाला तैयार हो गया। ये मटन मसाला तैयार हो गया। आप एक बार अपन अपने हाथ से बना के खा के देखिए, उसके बाद मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो आपको जरूर पसंद आएगा ये, तो आप लिखकर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर और दूसरी बार और एक चीज बताएंगे आपको पकाने के लिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। खा ले।